तो गाइस हम एंटर कर चुके स्मार्ट सिटीज एक्सपो, और स्मार्ट सिटी एक्सपो के लिए मैंने रजिस्टर किया हुआ है। मेरा टॉपिक ही स्मार्ट सिटीज है, तो ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करवा रही है स्मार्ट सिटीज के ऊपर। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, इसमें सभी सिटीज के जो स्मार्ट सिटीज के सीईओ वो आ रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े डिग्निटरीज आ रहे हैं, जॉइंट सेक्रेटरी आ रहे हैं। तो बहुत मजा आने वाला है, आपको अंदर दिखाऊंगा चल के कैसा माहौल है सब। और मेरे पास क्वेश्चन एयर भी है जो मुझे फिल करवाना बड़े बड़े लोगों से, देखते हो भरेंगे या नहीं भरेंगे। तो भैया आ गया है ना, कहाँ पर है? स्मार्ट सिटीज़ के कॉन्फ्रेंस के लिए। तो बहुत सारे हॉल्स है, बहुत सारे हॉल्स है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5। मेरे को देखना पड़ेगा स्मार्ट सिटीज़ वाला कौन सा है, और बाकी कार्यक्रम भी चल रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट हॉल्स में। तो इस प्रोग्राम को अटेंड करके थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये 17, 18, 19 का तारीख का है, और मैंने अपनी सर से परमिशन ले ली थी कि सर मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, मैं अपने क्वेश्चनेयर भी फिल करवा लूँगा, यहाँ से डाटा मिल जाएगा, नेटवर्किंग होएगी, जानने को मिलेगा स्मार्ट सिटीज़ होती क्या है। भले मेरे को काफ़ी टाइम हो गया पढ़ते स्मार्ट सिटीज़ के बारे में, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है स्मार्ट सिटीज़ को डिफाइन करना। तो चलो देखते हैं बड़े बड़े लोग कैसे डिफाइन करते हैं स्मार्ट सिटीज़ को। काम देखो बहुत जोरों से है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है सरकारी। ये है प्रगति मैदान, तो कॉन्फ्रेंस प्रगति मैदान के अंदर हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल लगता हुआ है प्रगति मैदान, और बहुत बड़ा है, बहुत सारे गेट्स हैं। तो मैंने गेट नंबर 10 से एंट्री ली है। फॉरनर्स भी काफ़ी आए हुए हैं, और मीडिया से तो बहुत सारे लोग होंगे। तो इस प्रोग्राम को की खासियत यही है कि बहुत ज़्यादा वाइड ऑडियंस है, और डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ से है, कोरिया से है, कोई अफ्रीका से। तो बहुत ही वर्थवाइल वॉचिंग होएगा दिस प्रोग्राम। तो अभी थोड़ा दूर जाना पड़ेगा स्मार्ट सिटीज़ वालों को, गेट नंबर 4 की तरफ वाला, सॉरी मतलब हॉल नंबर 4 की तरफ जाना है और रजिस्टर करना है, और फिर मिलेगा हमें फिजिकल बैच, जिसको लगा कि बहुत मज़ा आने वाला है पहन के। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आकर कुछ सीखने को मिलेगा, नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा। सो फाइनली दी कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो फॉर विच आई हैव रजिस्टर्ड हैज कम। इसकी डेस्क है, और यहाँ पे रजिस्टर्ड एज अ डेलीगेट, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑनलाइन। July 9th स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो, ग्रेट, आई एम वेरी हैप्पी टू कम हियर। स्मार्ट सिटी स्टेज हॉल 1, जहाँ पे मेरे को जाना है, हॉल 1 में ही मेरे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे स्मार्ट सिटीज का ही सब कुछ है। सो फाइनली आई हैव एंटर्ड द हॉल, और मिल चुका है मेरे को मेरा विजिटर कार्ड और एक बैग। हॉल 1, दिस इज हॉल 1। गवर्नमेंट ने काफ़ी इंतजाम किया है, एक बैग भी मिला है मेरे को यूबॉन की तरफ से, जो कि एक चार्जर वगैरह बनाने वाली कंपनी है। स्मार्ट सिटीज कॉन्फ्रेंस, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट। तो गाइस बता देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अंदर से बहुत अच्छा बनाया हुआ है, और मतलब कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए हुए हैं। तो मैं आपको सारी चीज़ दिखाने वाला हूँ, और कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करूँगा अपनी। तो स्टे ट्यून्ड, देखते रहे। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर्स के अंदर आता है स्मार्ट सिटी मिशन। काफ़ी मज़ेदार लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज है सारी चीज़ें। इनोवेशन इन हिंदू क्रीमेशन सिस्टम, ग्रीन कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड नल्ला रिनोवेशन। ये तो धारवाड़ में जो बनाया हुआ है उन्होंने, और ये चंडीगढ़ में रिहैबिलिटेशन अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट प्लांट। क्या बात है, अगर स्मार्ट सिटीज बन जाए ऐसे तो कितना मजा आएगा। गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट इंदौर, बहुत ही अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है।
तो ये खाने वाला सेक्शन है, सारे यहाँ पे खाने के स्टॉल्स लगे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन हमको काम की चीज़ है वहाँ जाना है। तो स्टेज भी बहुत अच्छी है गाइस, मतलब कमाल ही किया हुआ है, बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट सारी। सो दिस इज़ न्यू सेन, ये टेक्नोलॉजी फर्म होगी मेरे ख्याल से, तो जो ये आपके जो वेस्ट वगैरह उनको इंसिनरेट करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें दिखाने के लिए, मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा और मेरा काम भी होने वाला है मेरे को लगता है रिसर्च का, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मेरे को चूज़ करनी पड़ेंगी, इनकी चीज़ों के ऊपर मुझे ध्यान देना है। ये 56 दुकान क्या है मतलब मैम? सो दिस इज द शॉल ऑफ लुधियाना स्मार्ट सिटी। Modernize, and as you know, this smart cities mission was launched by India in 2002. As speakers looking into what has been the progress when we are, and then we are loading so much of cost on it to build. तो बहुत ही हेल्पफुल है ये एक्सपो, बहुत मजा आ रहा है और बहुत हेल्पफुल लग रही है। यहाँ से मेरे को लगता है मेरा डाटा मिल जाएगा, मेरे जानने वाले भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, काफ़ी जान पहचान बढ़ रही है, तो बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ। खाना थोड़ा महंगा मिला, 300 रुपये की प्लेट मिली, मुझे लग रहा था फ्री में मिलेगा तो, लेकिन अच्छा था खाना भी, सारी चीज़ अच्छी है, बहुत मज़ा आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट बढ़ेंगे। एंड वी आल्सो फ्रॉम अ हेरिटेज साइट वी आर कन्वर्टेड द वन ऑफ द घाट्स, देयर वाज अ घाट इन नासिक सिटी व्हिच हैड टू बी केप्ट एज इज बट इट हैड बीन पुट। वो भी अंदर बैठा हुआ था, और दोबारा अंदर जाऊंगा, अभी चल रहा है सेशन। तो काफ़ी डाटा मिल चुका है, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिली स्मार्ट सिटी को समझने में। स्मार्ट सिटी होती क्या है पहली बार समझ में आ रही है, पढ़ने से कुछ नहीं होता, एक्सपीरियंस से ही समझ में आता है सारी चीज़ें होती क्या है। और यहाँ मेरे को खुशी हुई कि IIT का जो FITT है वहाँ का भी एक टेक्नोलॉजी यहाँ पर डिस्प्लेड है जो कि बिहार स्मार्ट सिटी यूज़ कर रही है। तो अब चलो आगे दिखाता हूँ। तो गाइस स्मार्ट सिटी का डाटा कलेक्शन हुआ कंप्लीट, बहुत मज़ा आया। लोग खासकर जो बिहार के लोग थे उन्होंने मेरी है बहुत हेल्प करी, बहुत ज़्यादा मेरे सर्वे में हेल्प की है, तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर अब प्रोग्राम फिनिश हो चुका है और हम चल चुके वापस। तो बाकी जो चीज़ें बची है वो कल करेंगे डाटा कंप्लीट, अभी के लिए वापस चलते हैं, अंधेरा हो चुका है बाहर। तो ये यहाँ पर लगा हुआ है कहाँ पर, बहुत बड़ा से अरेंजमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट होल्स है जहाँ पर, लेकिन मैं बाकी होल्स नहीं गया। कंपनीज आई हुई है तो बहुत मज़ा आया। ये स्मार्ट सिटी का कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर हॉल, 9th स्मार्ट सिटीज एक्सपो, तो फटाफट से विजिट कर देते हैं। प्रगति मैदान भी देखी आज हमने, मेरे कॉन्टेक्ट भी काफ़ी बन गए, काफ़ी सारे लोग मिले यहाँ पर जानने वाले। सर्दी लग रही है इसलिए मैंने टोपी पहन ली, बाकी बहुत सुंदर प्लेस है प्रगति मैदान के अंदर। फुवारा देख सकते हो आप, कैसे पानी चमकता हुआ गिर रहा। खुशी मिली, कुछ यूजफुल सीखने का मिला आज इतने दिनों के बाद। गाड़ी आ चुकी है लेने के लिए। मज़ा आ गया गवर्नमेंट की सर्विस में, जो उन्होंने अरेंजमेंट की है बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट है। और बस छोड़ने आई हमें जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रहे वहाँ से गेट तक, अब यहाँ से मैं सुप्रीम कोर्ट का स्टेशन है यहाँ पर, यहाँ से मेट्रो में जाता हूँ और अपने IIT दिल्ली पहुँचता हूँ।
फिर मिलेंगे आपसे। सो दिस इज फेस डिटेक्शन कैमरा, लाइक यू कैन सी आई एम देयर। तो ये सब टेक्नोलॉजीज़ है जो स्मार्ट सिटीज़ में यूज़ होती है। तो आज हुआ सेकेंड डे ख़त्म, मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करी क्योंकि मैं लेट हो गया था और लेट आया यहाँ पर। तो लेकिन कल थर्ड डे लास्ट डे इस स्मार्ट सिटीज़ एक्सपो का, कल अच्छे से बनाऊँगा सारी वीडियो। और बहुत ही अच्छा डाटा मिला यहाँ से, बहुत लोग मिले, बहुत हेल्पफुल लोग, सही में मज़ा आया। चलो बाद में। तो आज है लास्ट डे, आज लास्ट स्मार्ट सिटीज़ की एग्जीबिशन का, एक्सपो का। और जैसे एक गाड़ी गई तो दूसरी आ चुकी है लेने के लिए। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज करवाया हुआ है ये सब पूरा कॉन्फ्रेंस। तो आपको शायद दिखा नहीं होगा, अभी फाइटर जेट्स जा रहे हैं एक के बाद फाइटर जेट्स, पता नहीं तीन तीन फाइटर जेट्स एक साथ जा रहे हैं। यहाँ पर शायद एयरफोर्स का बेस होगा या फिर प्रैक्टिस वगैरह चलती रहती है जेट्स की। अच्छा हाँ, रिपब्लिक डे आने वाला है तो उसके लिए प्रैक्टिस चल रही है फुल, मज़ा आने वाला है। उसका भी मैं व्लॉग बनाऊंगा, रिपब्लिक डे को अटेंड करने वाला हूँ अपनी भारत माता के लिए। चलो मैं आगे दिखाता हूँ स्मार्ट सिटीज़ का, फिर चलते अंदर जगह है। और गवर्नमेंट ने फिर बताया था बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है स्मार्ट सिटीज़ वालों के लिए। तो मेरा तो रिसर्च है, मेरे को तो काफ़ी डाटा मिल रहा है यहाँ से, काफ़ी यूज़फुल डाटा, और बहुत अच्छा नेटवर्किंग के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। आज भी मैं डाटे का अलग इकट्ठा करने वाला हूँ, बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है जब मैं प्लेन की आवाज़ सुनता हूँ फाइटर जेट्स की। तो चलो मिलते हैं आगे आगे सारी मशीन डिजाइन बेस्ड ऑन आवर ओन रिक्वायरमेंट। आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन। दिस इज अ स्पेशल मेंशन अवार्ड, वी हैव द अवार्ड फॉर ग्रीन ग्रीन स्मार्ट So this is a face detection system. They are from Moscow. With the translation of this interface, but now it's informing us that liveness checkup wasn't passed because depth checkup wasn't passed. And it's a real sense camera with RGB. तो हम चल चुके हैं अपनी अपने आईआईटी की तरफ। प्रोग्राम हो चुका ख़त्म, बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया, बहुत मज़ा आया, बहुत कॉन्टैक्ट्स बने और कंपनीज़ वाले मिले स्मार्ट सिटीज़ के, जो स्मार्ट सिटीज़ में 6-6 साल से इन्वॉल्व है उन लोगों से मैंने डाटा लिया। तो बहुत ही अच्छा रहा ना ओवरऑल मेरे लिए। और सुबह सुबह देख रहा था मैं कि फ़ाइटर जेट्स कैसे जा रहे थे, तो इसका मतलब है रिपब्लिक डे की तैयारी ज़ोरों से चल रही है। और रिपब्लिक डे के मैं टिकट्स बुक करूँगा और उसकी उसके लिए मैं रिपब्लिक डे पर जाने वाला हूँ, तो उसकी वीडियो भी डालूँगा। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे रेडी, बी विद मी। और मेरी गाड़ी आ चुकी है यहाँ से पकड़ के, मेट्रो से इधर उधर घूम घाम के अपने हॉस्टल में पहुँचते, वहाँ पे थोड़ा जिमिंग जुमिंग करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। और तो ऐसी इवेंट यूज़फुल इवेंट्स को देखने के लिए या फिर आईआईटी में क्या चल रहा है उसको देखने के लिए या किसी चीज़ की नॉलेज लेने के लिए मेरे चैनल को देखते रहे। बाय, टेक केयर।